हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनोज डे के बारे में। जी, आप सही सुन रहे हैं, ये हमारे मनोज डे जी है जो बहुत ही पॉपुलर है आज के डेट में, यूट्यूबर माने जाते हैं, जाने माने हैं। और अभी हाल में ही आपने वीडियो देखा होगा संदीप महेश्वरी जी का, तो उसमें उन्होंने सामने अपने साथ इनके साथ एक वीडियो बनाई थी, पोस्ट की थी, जिसमें कि वो अपने लाइफस्टाइल और अपने बिजनेस और अपने प्रोफेशन के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो आज हम लोग वही जानेंगे। तो आपको भी थोड़ी चुलबुली मची होगी कि जानना है कि आखिर उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो आए हैं और किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। तो बिना ही देर करते हुए वीडियो को चालू कर देते हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इस वीडियो पर बने रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट में उनका घर है। तो झारखंड, झारखंड का नाम तो आपने सुना होगा। तो झारखंड से मैं भी हूँ, मैं रांची से हूँ, पर वो है धनबाद से। जी हाँ, झारखंड का एक शहर है धनबाद, जो कि वहीं से वो बिलोंग करते हैं। और उन्होंने अपना करियर यूट्यूब में स्टार्ट किया था, एज अ टेक्निकल वीडियो बनाते थे वो, और कुछ कुछ टेक की जानकारी देते थे, अपडेट देते थे। इस वजह से उनकी वीडियो जो है वो धीरे 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 होकर वायरल होना स्टार्ट हो गई। उनके पास शुरुआत में जो है वो इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, यूट्यूब का जो स्टूडियो होता है, सेटअप होता है हमारा जैसे अभी है, उस तरीके का उनके पास कोई भी सुविधा नहीं था। पर आज जो है वो बहुत अच्छे बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं और उनके पास सारी सुविधाएं हैं। और वो अपने से छोटे यूट्यूबर को जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें वो बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट भी करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, ट्राईपॉड हो गया, ये सब वो उन्हें गिफ्ट भी करते हैं। तो ये है उनका एक अपना अंदाज़। अब जानते हैं कि उनकी इनकम क्या है, इनकम का सोर्स क्या है। तो वीडियो पे बने रहे, पसंद आ रही है लाइक ज़रूर करें। रात का समय कुछ ऐसा रहा था कि उस टाइम पर यूट्यूब को लोग नहीं जानते थे, उतना सारे वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद नहीं थे, और बहुत लोग उसे थोड़ा बहुत गाना सुनने के लिए या फिर कुछ वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर क्या कभी किसी ने सोचा था कि उस पर क्रिएटर भी बने जा सकते हैं और वीडियो पोस्ट किए जा सकते हैं? आखिर ये वीडियो जो है वो डालते क्यों हैं लोग? जब तक उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा वो कोई वीडियो डालेंगे ही नहीं। तो इस छोटी सी पॉइंट को उन्होंने पकड़ा और उस टाइम पर उस चीज़ को वो आगे लेकर चले गए और उन्होंने वीडियो डालना स्टार्ट किया, और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। और देखते गए ऐसे ही कारवा बढ़ता गया, और जो उनकी फैमिली है वो 3 मिलियंस तक आज पहुँच चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि उस टाइम पर यूट्यूब में लोग ये भी नहीं जानते थे कि कुछ करियर बनाया जा सकता है, पर उन्होंने उसे एज अ करियर माना। अब क्या है कि आज के डेट में तो अभी हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेते हैं, उस टाइम पर गूगल पे सर्च किया जाता था, कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो अभी भी गूगल पर करते हैं। पर अगर अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यूट्यूब पर ज़्यादा सर्चें होती है, और कोई भी प्रॉब्लम है उस पर रिलेटेड वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर मिल ही जाना है। पर उस टाइम पर कोई भी वीडियो आसानी से नहीं मिलता था, इसलिए छोटा भी कोई टॉपिक है उसे पकड़ कर वीडियो बनाना बहुत ही आसान था। तो वीडियो बना दिया जाता था और अब वो धीरे धीरे चलकर वायरल हो रही है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि यही आगे चलकर उनका प्रोफेशन बनेगा और लोग उनसे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, जैसे कि आज हम और आप हो रहे हैं। पर कोई भी चीज़ को अब हमें समझना होगा कि जो चीज़ हमारे लिए लगे कि ये आगे चलकर बड़ा रूप लेगी या नहीं लेगी, तो हमें कोई भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है और अपनी मेहनत को आगे रखना है। वीडियो अगर बनाना है, अगर आप भी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे, वीडियो बनाना चाहते हैं, तो डट जाए, लग जाए, एकदम ज़ोर शोर से बनाए, और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप वो आप सारे प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। तो अब रही बात कि उनका इनकम जो है वो इनकम का सोर्स क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं, आपको फेम और नेम मिलने लगता है, तो उस टाइम पर आपके पास बहुत सारी कंपनियां जो है वो एड के लिए आपके पास आती है, और आप चाहे तो उस एड का स्पॉन्सरशिप वगैरह कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको कुछ कुछ पेमेंट वगैरह मिलेंगी और इस वजह से आपका इनकम जो है वो हाई होगा। तो स्टार्टिंग के जो वीडियो रहते थे वो टेक्निकल वाले सारे रहते थे, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, मतलब जितने भी टेक्निकल अपडेट होते हैं, जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका उन्होंने समाधान करते हुए वीडियो बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और लोगों को बहुत ही काम आ रहा है, इस वजह से वायरल बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया।
अब क्या है, अब वो YouTube पर समझ चुके हैं और वो इनकम कर रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए अब वो YouTube के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं। मतलब उनका टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, वो YouTube अब हो चुका है। मतलब YouTube में क्रिएटर कैसे बने, इनकम कैसे करे, ग्रोथ कैसे ले, सब्सक्राइबर्स जो है वो कैसे बढ़ाए, और वॉच आवर्स जो है वो कैसे कंप्लीट करे, ये सारा चीज़ थीम उनका हो चुका है। थंबनेल कैसे ऐड करे, क्योंकि उनको जब शुरुआती समय है उस समय YouTube से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं मिल पाती थी, और उन्होंने अपने छेड़छाड़ करके उन्होंने धीरे धीरे सीखा है, इसलिए वो लोगों को एक एक चीज़ सिखाना चाहते हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप भी अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हो। चलो ये तो अलग बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे कि दूसरा उनका इनकम का सोर्स क्या है। तो एक तो इनका ये टेक्निकल वाला जो चैनल है ये हो गया, दूसरा चैनल उनका है व्लॉग वाला, जिसमें वो व्लॉग्स वगैरह डालते हैं, उससे भी उनकी इनकम जो है वो जनरेट हो जाती है। तीसरा तो आप समझ ही गए, ये तीन मेन सोर्स हुआ। उसके बाद में अगर आप कोई चीज़ का रिव्यू दे देते हो तो उससे भी आपको इनकम जनरेट हो सकती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर लाखों की इनकम जो है वो YouTube के माध्यम से हो रही है। सिर्फ YouTube से नहीं कहेंगे, बट YouTube के माध्यम से हो जा रही है। तो यही है सबसे बड़ी कहानी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, शेयर करें।